केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एमएम, टीएमसी, आईयूएमआई, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। सर, विद योर परमिशन, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। वेणुगोपाल मैं सभी मान्य सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने इस पर कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उनका वेरिफिकेशन करना होगा, इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। थैंक यू सर। सर, आई हैव गिवन अ नोटिस अंडर रूल 72 टू अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल। सर, आई अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल अंडर रूल 72(2) on the grounds that this house does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers.